दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। डेंगू के डंक से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। डेंगू को लेकर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद भी प्रदेश सरकार की जमीनी स्तर पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। सीमित संसाधन वाले सरकारी अस्पताल फुल हैं और प्राइवेट अस्पतालों में क्षमता से कई गुना ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं। मोहल्ला हो या गांव, हर कहीं से डेंगू के पीड़ितों की कराहने की आवाजें आ रही हैं। आधा नवंबर माह बीत जाने को है, ठंड बढ़ने के बावजूद डेंगू का जानलेवा डंग थमने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू को लेकर सरकार के कितने प्रभावी इंतजाम हैं या किसी से छिपा नहीं है। सरकारी आंकड़ों में डेंगू बीमारी पूरी तरह से नियंत्रित है, जबकि हकीकत में डेंगू की स्थिति बड़ी ही भयावह है। नगर निकाय चुनाव के होने के बावजूद नगर में डेंगू की रोकथाम के लिए कोई खास प्रयास तक नहीं किए गए हैं। गांव की सरकार के मुखिया भी फॉगिंग कराने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। आमजन भगवान भरोसे ही खुद के सहारे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज से प्रेरित करने वाली जागरूकता की तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अहम बात तो यह है कि कॉलेज के छात्रों ने डेंगू मच्छर की 25 फीट की एक बड़ी पोर्ट्रेट बनाकर मच्छरों से बचाव का संदेश दिया है। यह संदेश अन्य कॉलेजों के लिए भी है और उन जिम्मेदारों के लिए भी जो अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचते नजर आ रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक नवनीत ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पेंटिंग के माध्यम से हम समाज में, प्रदेश में और देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से ये मच्छर जानलेवा साबित हो रहा है। तमाम लोग इसके द्वारा मृत्यु तक पहुंचा दिए गए हैं, तो हमें इस डेंगू मच्छर से किस तरह बच सकते हैं, साफ सफाई के द्वारा, दवाइयों के छिड़काव के द्वारा, सारे आस्तीन के वस्त्र पहनकर, कपड़े पूरे शरीर को ढकने वाले पहनकर, मच्छरदानी का प्रयोग करके, विभिन्न उपायों के द्वारा हम इस जानलेवा मच्छर से अपने प्राण बचा लें। यही संदेश हम अपने जिले में, प्रदेश में और देश में देना चाहते हैं, ताकि कुछ लोगों का जीवन रक्षक उपाय हो सके। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य वीर सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इस समय डेंगू का बहुत प्रकोप बढ़ा हुआ है हर तरफ और काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है इसमें डेंगू से। इसमें थोड़ी सी सावधानी को ध्यान में रखते हुए और डेंगू से बचाव को ध्यान में रखते हुए हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है अपना पेपर कोलाज वर्क के द्वारा। जो वेस्ट मटेरियल है उससे हमने एक बहुत बड़ा डेंगू मच्छर तैयार किया है। उसके पंजों में एक हमने बच्चा भी दिखाया है कि वो बच्चा बच्चे को डंक मार रहा है, जिससे कि वो जान को खतरा है उसकी। इसलिए हमें लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और दवाइयों का छिड़काव होता रहे। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है समाज को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।